नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राज्य में अब 72 घंटे पहले ही मिल जाएगी बाढ़ आने का अलर्ट। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा देने की मंत्री ने उठाई मांग। पूर्व भाजपा विधायक ने उठाई 100 अनाथ बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी। देश भर में 36 दिनों बाद दर्ज किए गए सबसे कम मौत के मामले। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार में हरियाली मिशन की अद्यतन रिपोर्ट की गई साझा। बिहार सरकार राज्य में हरियाली बढ़ाने के लिए अनेकों उपाय कर रही है। इसके तहत सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 1 के अंतर्गत हरियाली मिशन की शुरुआत की थी, जिसके तहत पिछले 8 सालों से करोड़ों पौधे राज्य भर में लगाए गए हैं। वहीं 2012 में शुरू की गई इस योजना के 8 साल बीतने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने इस योजना की अद्यतन रिपोर्ट को ट्वीट के माध्यम से साझा किया है। उन्होंने बीते दिन अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि झारखंड से बंटवारे के बाद बिहार का हरित आवरण यानी कि वन के भाग केवल 9% रह गया था, जिसके बाद 2012 में बिहार में हरियाली मिशन की शुरुआत की गई और 24 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया, जिसमें 22 करोड़ से ज्यादा वृक्षारोपण अभी तक किया गया है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष पृथ्वी दिवस 9 अगस्त 2020 तक 2.51 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया था, मगर सरकार द्वारा 3.47 करोड़ पौधे लगाए गए, जिस कारण अब राज्य का हरित आवरण 15% हो गया है। इसके साथ ही आगे 17% हरित आवरण प्राप्त करने के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। तीसरी लहर की आशंका को देख बिहार के 27 जिलों में बच्चों के लिए बनेंगे आईसीयू। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में बिहार सरकार की पूर्व तैयारी के अभाव में जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। वहीं अब सरकार पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए कोरोना की तीसरी लहर में हर तरह से तैयार हो रही है। माना जा रहा है कि तीसरी लहर का असर बच्चों पर पड़ सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की हाई लेवल मीटिंग में 27 जिलों में बच्चों का 10 बेड का आईसीयू बनाने का फैसला किया गया है। ये आईसीयू जिला अस्पताल या संबंधित जिले के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सभी जिलों में 10 से 20 बेड का CPCU बनाया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 2 महीने तक का समय तय किया है। इसके अलावा बैठक में 1 सप्ताह के अंदर राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में बच्चों के इलाज की सुविधा की सारी रिपोर्ट विभाग को देने, जरूरी दवाओं उपकरणों का आकलन करने और उसके भंडारण की प्रक्रिया शुरू करने और 2 सप्ताह के अंदर राज्य में संचालित PQ और CPCU को चालू करने का फैसला लिया गया है। इसमें खास तौर पर 0 से 2 साल के बच्चों के लिए ऑक्सीमीटर के इंतजाम करने का निर्देश दिया गया है। राज्य में अब 72 घंटे पहले ही मिल जाएगी बाढ़ आने का अलर्ट। बिहार में हर वर्ष बारिश का सीजन बाढ़ का सीजन भी बन जाता है, क्योंकि इसकी त्रासदी हर बार विभिन्न जिलों में लोगों को झेलनी पड़ती है। कई बार अचानक से आई बाढ़ के कारण जानमाल को अधिक नुकसान पहुंचता है। ऐसे में अब बिहार में बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए जल संसाधन विभाग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अत्याधुनिक तकनीक के साथ अब ड्रोन का भी इस्तेमाल करेगा। इस ड्रोन का इस्तेमाल बाढ़ के दौरान तटबंधों की रियल टाइम मॉनिटरिंग में किया जाएगा, जिस कारण 72 घंटे पहले बाढ़ की जानकारी मिल सकेगी। इस संबंध में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बताया है कि सरकार लगातार नई तकनीक के इस्तेमाल से बाढ़ के आने से पहले अलर्ट जारी करने की दिशा में प्रयास कर रही है। इस क्रम में मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर की स्थापना की गई थी, जिसके द्वारा वर्षा और नदियों के जलस्तर का अगले 72 घंटों का अत्यंत सटीक पूर्वानुमान रोज जारी किया जा रहा है। बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने पीएम मोदी से लगाई गुहार। CBSE द्वारा इस साल 10वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। वहीं बोर्ड ने सभी राज्यों के स्कूलों को जुलाई में रिजल्ट जारी करने को कहा है। यह रिजल्ट पिछले 3 वर्षों के रिजल्ट के आधार पर बनाया जाना है। इसे लेकर CBSE ने स्कूलों से 30 जून तक मार्क्स मांगा है। वहीं इस मुद्दे पर बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने बच्चों के भविष्य को देखते हुए थोड़ा लचीला रुख अपनाने की बात कही है। इसके तहत एसोसिएशन ने पीएम मोदी से गुहार लगाई है कि वे इस मामले में दखल दें और बोर्ड को निर्देश दे कि कोरोना काल को देखते हुए गाइडलाइन में थोड़ा लचीला रुख अपनाए। एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि CBSE द्वारा 10वीं के लिए जारी गाइडलाइन को लेकर स्कूलों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। दरअसल CBSE ने 10वीं के रिजल्ट को लेकर बेसलाइन तैयार कर दिया है। इसके लिए उसने पिछले 3 वर्षों के रिजल्ट को अपना आधार बनाया है, जो कि उचित नहीं है। CBSE द्वारा जारी गाइडलाइन पालन नहीं करने वाले स्कूलों का मार्क्स अपलोड ही नहीं हो पा रहा है, जिससे पिछले 3 वर्षों के रिजल्ट में मात्र 2 से 3% ही आगे पीछे नहीं करने पर पूरा का पूरा मार्क्स ही अपलोड नहीं हो पा रहा है। ऐसे में CBSE को स्कूलों पर भरोसा करना चाहिए। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा देने की मंत्री ने उठाई मांग। बिहार सरकार के श्रम संसाधन व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की मंत्री जीवेश कुमार ने दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा देने की मांग रखी है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट की कामयाबी का जिक्र किया है और कहा कि वर्तमान में यात्रियों की आवाजाही में दरभंगा एयरपोर्ट ने भुवनेश्वर तथा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को भी पीछे छोड़ दिया
लिया है। वहीं कोरोना काल में दरभंगा एयरपोर्ट यात्रियों के लिए बड़ा सहारा बना है। इसका एक फायदा यह है कि इस क्षेत्र से नेपाल का संबंध भी काफी गहरा है। साथ ही साथ बड़ी संख्या में मिथिला के लोग खाड़ी देशों में कार्य करते हैं, जिससे उनका आना जाना लगा रहता है। इन सभी परिस्थिति को देखते हुए दरभंगा से नेपाल के काठमांडू व जनकपुर, थाईलैंड, दुबई व अन्य खाड़ी देशों के लिए वायुयान सेवा प्रारंभ की जा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यह एयरपोर्ट सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय मानक क्षमता पर खरा उतरेगा, इसलिए एयरपोर्ट को अत्याधुनिक सुविधा से युक्त करना आवश्यक है। गंगा नदी में तरबूज बहकर आने पर लोगों में लूटने की मच गई होड़। पटना के बाढ़ अनुमंडल क्षेत्र के गंगा नदी स्थित बाबू घाट के पास तरबूजों का जखीरा पानी में बहकर घाट किनारे आने की खबर है। दरअसल स्थानीय लोगों के मुताबिक अत्यधिक बारिश होने के कारण पानी में बहकर ये तरबूज आए थे, जिसके बाद इसे लूटने में लोगों के बीच होड़ सी मच गई। इतना ही नहीं, लोग जान पर खेलते हुए भी तरबूज लूटते हुए नजर आए। इसे लेकर लोग नाव के सहारे पानी में बहते तरबूज को इकट्ठा करते हुए देखे गए। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक गंगा किनारे दियारा में तरबूज की भारी मात्रा में खेती होती है, जिस कारण दो दिनों तक हुई बारिश से अत्यधिक पानी बढ़ जाने के कारण रविवार को तरबूज वहीं से गंगा नदी के सहारे बहकर आ गया, जिसके बाद सूचना मिलने पर तरबूज की लूट मच गई। बड़ी संख्या में लोग अपने साथ तरबूज लेकर भी गए। इस साल प्री मानसून सीजन ने तोड़े बिहार में बारिश के 10 साल के रिकॉर्ड। आने वाले एक से दो दिनों में मानसून के केरल तट से टकराने की संभावना है, मगर प्री मानसून सीजन यानी कि मार्च से मई तक का समय मानसून की जमीन तैयार करने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका प्रभाव धान की खेती पर भी पड़ता है। वहीं आंकड़ों की माने तो वर्ष 2021 में अपने राज्य बिहार में प्री मानसून सीजन ने एक दशक के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक चक्रवात ताऊते और फिर यास ने बिहार में बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार की, जैसे प्री मानसून सीजन में इस बार हुई बारिश से वर्ष 2013 से अब तक चला आ रहा जोरदार बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है। वहीं मौसमविदों ने कहा कि केवल मई में 261 मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि सामान्य से 369% ज्यादा है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 81.4 मिलीमीटर रहा था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के दो नेताओं को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय इकाई में बिहार से दो नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इसके तहत बीते दिन उन्होंने पत्र जारी किया है, जिसके तहत पार्टी ने पूर्व राज्यसभा सदस्य रहे साबिर अली को मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री का पदभार सौंपा है, तो वहीं बिहार भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी को मोर्चा की राष्ट्रीय इकाई का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। बताते चले कि पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले साबिर अली इससे पहले जदयू से जुड़े थे और जदयू से पूर्व राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। इसके साथ ही वे अररिया जिले के वहाब भाजपा के खांटी कार्यकर्ता से लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तक रह चुके हैं। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर यह कदम एक बड़ा राजनीतिक तौर पर सफल साबित हो सकता है। वहीं बिहार भाजपा की सियासत में भी पार्टी ने बड़ा संदेश देने का काम किया है। 45 प्लस आयु वाले लोगों को वैक्सीन लगाने के मामले में शिवहड़ बना नंबर वन। बिहार के एक छोटे से जिले शिवहड़ ने वैक्सीनेशन अभियान में बड़ा मुकाम हासिल किया है। दरअसल 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों के टीकाकरण में शिवहर जिला ने पूरे बिहार में प्रथम स्थान पाया है और इस बात की जानकारी वहां के डीएम ने दी है। इसके साथ ही जिलाधिकारी सज्जन राजशेखर ने बताया कि पूरे जिले में अब तक 71,793 लोगों को पहली डोज का टीका लगाया जा चुका है। वहीं दूसरी डोज 17,296 लोगों को लगाई गई है। इसके लिए उन्होंने इसका श्रेय जिला प्रशासन की टीमों, स्वास्थ्य विभाग की टीमों, एनजीओ और ग्रामीणों को भी दिया है। उन्होंने बताया कि टीकाकरण करने के दौरान कई स्वास्थ्यकर्मी पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन स्वस्थ होने के बाद वे लोग पुनः अपने कर्तव्य पर वापस आकर टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में दिन रात लगे हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन जल्द से जल्द सभी लोगों का टीकाकरण करने के प्रयास में लगा है। बिहार में ब्लैक फंगस के इलाज व रोकथाम में नहीं होगी किसी प्रकार की कमी। बिहार में ब्लैक फंगस के मामले लगातार देखे जा रहे हैं, ऐसे में सरकार भी इलाज के लिए जरूरी दवाओं की जरूरतों पर नजर बनाए रखे है। वहीं इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री व बक्सर के सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि ब्लैक फंगस के उपचार, रोकथाम व जागरूकता के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय अधिकारी राज्यों के संपर्क में लगातार बने हैं और बीते दिन ही सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को एम्फोटेरिसिन बी की अतिरिक्त 30,100 शीशियां को आवंटित किया गया है। इसके तहत बिहार को भी अतिरिक्त 500 शीशियां आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि बिहार को अभी तक विभिन्न चरणों में 3,250 शीशियां आवंटित की जा चुकी है, जो कि रोगियों की संख्या के आधार पर बांटा जा रहा है। इसके साथ ही इस इंजेक्शन के उत्पादन को भी बढ़ाया गया है।
आरजेडी सुप्रीमो ने सीएम नीतीश पर लगाया चढ़ावा लेने का आरोप। चारा घोटाले में जमानत मिलने के बाद से ही आरजेडी सुप्रीमो बिहार की राजनीति और सीएम नीतीश कुमार पर ज्यादा सख्त है और लगातार वे ट्वीट के जरिए बिहार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। इस क्रम में बीते दिन उन्होंने नीतीश कुमार पर चढ़ावा लेने का आरोप लगाया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था के मद्देनजर नालंदा के हिलसा के चकवाजितपुर उप स्वास्थ्य केंद्र की एक तस्वीर को साझा कर व्यवस्था पर निशाना साधा और लिखा कि नीतीश कुमार ने अपने गृह जिला नालंदा में भी हमारे द्वारा बनाए गए स्वास्थ्य केंद्र को बंद करा दिया, लेकिन गुलाबी फाइलों में यह चालू है। ऐसे हजारों स्वास्थ्य केंद्रों की बलि ले गई है क्योंकि इनके फाइलों में कार्यरत रहने से प्रसाद रूपी चढ़ावा प्राप्त होता रहता है। उन्होंने यह तस्वीर राजद नालंदा के ट्विटर पेज से साझा की थी, जिसमें यह उप स्वास्थ्य केंद्र झाड़ियों से घिरा हुआ और जर्जर हालात में दिख रहा है। आपको बता दें कि नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला भी है। ऐसे में नालंदा के उप स्वास्थ्य केंद्र पर लालू यादव ने सवाल किया है कि क्या 15 साल से यहाँ आदमी नहीं रह रहे थे, उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता नहीं थी, ये कैसा सुशासन है जिसे सरकार 15 साल तक सोई रहती। वैक्सीन की राजनीति के बीच अब सुशील मोदी ने राहुल गांधी पर बोला हमला। एक तरफ वैक्सीन की कमी और देर से अभियान को शुरू करने को लेकर कांग्रेस कई आरोप लगाकर सरकार को घेर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी कांग्रेस पर वैक्सीन का दुष्प्रचार करने और लोगों को भ्रमित करने की बात कहती है। इस बार अब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने वैक्सीन को लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। मोदी ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि दुनिया में सबसे तेज कोरोना टीकाकरण कर 21 करोड़ डोज दिलवाने में सफल नरेंद्र मोदी सरकार पर टिप्पणी करने वाले राहुल गांधी बताएं कि 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार ने वैक्सीन का निर्माण करने वाली चेन्नई, कुनूर और कसौली की सरकारी कंपनी को क्यों बंद कराया था। 2013 में उसी सरकार ने इंसेफ्लाइटिस और रोटा वायरस की स्वदेशी वैक्सीन के बजाय चीनी वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ावा क्यों दिया था। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। पूर्व भाजपा विधायक ने उठाई 100 अनाथ बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी। कोरोना काल में कई मासूम बच्चे ऐसे भी हैं जिनके लिए यह वायरस जीते जी जीवन पर्यंत दुख देने वाला बना है। इस बीमारी ने अब तक कई बच्चों के सिर से माँ बाप का साया छीन लिया है। इसे लेकर बिहार के एक जनप्रतिनिधि ने ऐसे बच्चों के जीवन को संवारने के लिए अनोखी पहल की है। बता दें कि भारत सरकार के पूर्व पेट्रोलियम सचिव और भाजपा से बगहा के पूर्व विधायक RS पांडे ने जिला भर के वैसे 100 बच्चों की परवरिश का बीड़ा उठाया है जिनके माता पिता की कोरोना काल में मौत हो गई है। इसके तहत उनकी संस्था वाल्मीकि विकास मंच अब 100 बच्चों की शिक्षा की सारी खर्च को उठाएंगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए RS पांडे ने बताया कि वे समाज सेवा की भावना को लेकर जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए हैं, इसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। शाकिब अल हसन और मुस्ताफिजुर रहमान के UAE दौरे पर गहरा संकट। बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिब अल हसन और मुस्ताफिजुर रहमान के ऊपर IPL 2021 के बचे हुए मैच नहीं खेलने के संकट बन गए हैं। दरअसल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन ने सोमवार को कहा कि बांग्लादेश के स्टार खिलाड़ी शाकिब अल हसन और मुस्ताफिजुर रहमान को IPL 2021 के बचे हुए मैचों में खेलने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को देखते हुए NOC देना लगभग असंभव है, वहीं T20 विश्व कप को देखते हुए भी ऐसा करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि ऑलराउंडर शाकिब कोलकाता नाइट राइडर्स और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं। ऐसे में उनके UAE दौरे पर संकट बन गया है। देश भर में 36 दिनों बाद दर्ज किए गए सबसे कम मौत के मामले। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना मामले में जबरदस्त कमी आई है, वहीं बीमारी से जान जाने वालों के आंकड़ों में भी कमी आई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,26,698 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं इस दौरान 2,782 मरीजों की जान चली गई है। वहीं इस दौरान कुल 2.54 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद देश भर में कुल एक्टिव केस 19,02,242 हो गई है। वहीं अगर बात अपने बिहार के करें तो बिहार में बीते दिन के बीते 24 घंटे में 1,113 नए कोरोना केस आए हैं। वहीं इस दौरान 3,196 लोग बिहार में ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 16,235 हो चुकी है। वहीं अच्छी खबर यह है कि बिहार में मामले लगातार कम आ रहे हैं और रिकवरी रेट बढ़े हैं, जो कि बढ़कर 96.97% हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार में कोरोना मामलों में कमी आने में बिहार सरकार की सफलता कितनी कही जा सकती है। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।